हेलो स्टूडेंट, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर विवेक फ्रॉम कैलिफोर्निया पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर योर फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मीन्स हम यहाँ स्टडी करेंगे इनसाइड द अर्थ, और इनसाइड द अर्थ अवर अर्थ सरफेस अवर अर्थ डिवाइड इन टू थ्री लेयर्स विच वन क्रस्ट मेंटल एंड कोर। ओके, सो वी डिस्कस टूडे लेक्चर ओनली कोर, द थर्ड मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। इनसाइड अर्थ दिस द कोर। ओके, सो अर्थ इनसाइड स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट टू इट्स हार्ड क्रस्टली शेल। मीन्स हमारी अर्थ का इनसाइड जो पार्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है, हार्ड है, क्रस्टी शेल मीन्स जो आउटर पार्ट है वो मे बी लेयर्स। ओके, वी समटाइम गेट अ ग्लिम्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर थ्रू द एक्शन ऑफ एक्टिव वोल्केनो। बट द मीनिंग इज नहीं कि मीन्स वी समटाइम गेट अ ग्लिम्स ऑफ, ग्लिम्स तक क्यों करनी, लुक नजर डालना कहाँ पे, इंटीरियर, कि हमें वहां नॉलेज कैसे मिल रही इंटीरियर पार्ट की, वहां तो हम जा नहीं सकते। ओके, तो वी गेट इंफॉर्मेशन ड्यू टू द एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो होते हैं जो ऑलवेज इरप्ट, जहां इरप्शन होता रहता है, और जो वोल्केनिक इरप्शन होता है इंटीरियर पार्ट से बहुत सारे मटीरियल्स दे कम आउटसाइड। ओके, लाइक योर रॉक्स, योर गैसेस, योर लिक्विड मटीरियल्स, लावास को होते हैं, ठीक है, ऑल द मटीरियल कम आउटसाइड। Due to that, we get information interior part of the earth by the active volcano. Okay, so earth rocky crust is by no means stationary, and we regularly see evidence of crust movement in the form of earthquakes. ठीक है, stationary means यहाँ पर आ रहा है कि हमारी जो earth है stable नहीं है, ऑलवेज इन मोशंस, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, और वी रेगुलरली सी द एविडेंस ऑफ क्रस्ट मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। हम देखते हैं कि लगभग अर्थक्वेक आते रहते हैं, और ड्यू टू अर्थक्वेक्स हमारी अर्थ सरफेस में भी सो मेनी चेंजेस आती हैं, सम बेयर क्रैक्स होते हैं, सम बेयर हमारा पार्ट अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो प्लेट टेक्टोनिक प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द इंटरप्रेटिंग the composition, structure and internal process of the earth on a globe scale. Firstly, hum check kar lete hain, what is the tectonic plate? This is your whole world. Whole world mein har ek part alag alag part hai. Okay? Firstly, kya tha? Hamara whole world combined tha. Usko humne bola tha Pangea. Okay? पेंजिया जो था ये पूरा होल वर्ल्ड क्या था, कंबाइन था, सेंटर में था, और सराउंडिंग ऑल साइड ओशंस था। कि स्लोली स्लोली क्या हुआ, हमारी अर्थ जो है, जो अर्थ का जो अपर पार्ट है इट इज अ सॉलिड, बट डाउनवर्ड जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है। बिकॉज व्हेन वी मूव इनसाइड द अर्थ, हम नीचे डीप पार्ट में जा रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इतना इंक्रीज है कि हमारी जो रॉक्स हैं वो सारी मेल्ट पोजीशन में है। यू नो, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लिक्विड मटेरियल्स कम आउटसाइड, ठीक है, जिसको हम लावा बोलते हैं। ओके, मैग्मा जो है नीचे, अर्थ जो है वो पिघली फॉर्म में है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर की वजह से वो सारा मेल्ट होने की वजह से नीचे का पार्ट मेल्ट है और ऊपर का पार्ट सॉलिड है। तो ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है वो ऑलवेज मूवमेंट कर रहा है ऑन द लिक्विड रॉक्स के ऊपर। ओके, ड्यू टू दैट हमारा हर एक पार्ट हुआ वो थोड़ा सा सेपरेट होने लगा ड्यू टू इनसाइड मूवमेंट की वजह से, ठीक है। देखो, साउथ अमेरिका पर यहाँ से पार्ट था, नॉर्थ अमेरिका यहाँ का पार्ट था, ये यहाँ का पार्ट था, सारे आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। स्लोली स्लोली क्या हुआ, ये सेपरेट हो रही है। तो इस जिसे नॉर्थ अमेरिका ह्यूज लैंड मास है, इसको प्लेट का नाम दे दिया हमने, ठीक है, ये प्लेट है, प्लेट मीन्स ह्यूज लैंड मास, ठीक है, एक तरह का लैंड मास ही है, प्लेट मीन्स ये दूसरी प्लेट नहीं बच्चे, ठीक है, मीन्स की A huge land mass, okay, जो कि मूवमेंट कर रहा है ऑन द लिक्विड मटीरियल के ऊपर।
दिस योर टेक्टोनिक प्लेट। सो अब समझते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक्स मीन्स अ थ्योरी एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर हम इन जो प्लेट्स हमारी जो ह्यूज लैंड मास है उनको स्टडी करेंगे तो किसके हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं किसकी, अर्थ क्रस्ट को, की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, अ थ्योरी एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो प्लेट टेक्टोनिक है वो हमारी हेल्प करती है या एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट को। ओके, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोवाइड, और ये प्लेट टेक्टोनिक की जो स्टडी है हमें क्या पढ़ती है, एक फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग, इंटर मीन्स एक्सप्लेन करना कंपोजिशन कि हमारी अर्थ जो है वो किस चीज से बनी है, स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड इंटरनल प्रोसेस और कौन सी प्रोसेस जो वर्क कर रही है इंटर इनसाइड अर्थ ऑन द ग्लोब्स के पूरे वर्ल्ड में। ओके, वी नो अबाउट द बाय द प्लेट टेक्टोनिक। ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक है ह्यूज, जो टेक्टोन प्लेट के है कि ह्यूज लैंड मास है जो कि मूवमेंट कर रहा है ऑन द लिक्विड रॉक्स के ऊपर। ओके, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के और थ्योरी एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, इसके थ्रू हम अर्थ स्ट्रक्चर को के बारे में नॉलेज गेट करते हैं। ओके, एंड प्लेट टेक्टोनिक प्रोवाइड अ, क्या हमें प्रोवाइड करवा रही है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, एक फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग मीन्स एक्सप्लेन करना इसकी कंपोजिशन मीन्स फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इंटर प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो नाउ मोस्ट ऑफ बट वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स फ्रॉम द अर्थक्वेक्स, कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ नॉलेज जो है वो बाय द सेस्मिक वेव्स हम चेक करते हैं। अब सेस्मिक वेव क्या होती है, जब हमारा अर्थक्वेक्स आता है ड्यूरिंग द टाइम यही वेव्स हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ शेकिंग करती है, ये वाइब्रेट करती है। ओके, और ये सेस्मिक वेव्स होती है ये अर्थ लेयर के थ्रू आगे मूव करती है। ठीक है, इसमें पी एस प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, कुछ सॉलिड से क्रॉस करती है कुछ लिक्विड से क्रॉस करती है। सो मीन्स कि एक तो हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में नॉलेज गेट कर रहे हैं बाय द वॉल्केनो, सेकेंड डू द स्टडी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, जो हमें अर्थ के कंपोजिशन स्ट्रक्चर और इंटर प्रोसेस को समझने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, आफ दैट सम लिटिल बिट इंफॉर्मेशन वी गेट बाय द सेस्मिक वेव्स। अब सेस्मिक वेव्स क्या हैं, तो सेस्मिक वेव्स आर वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स एंड आर रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। एक तरह की एनर्जी वेव्स हैं जो कि ऑरिजिनेट हो रही है डीप इनसाइड द अर्थ एंड बाय द अर्थ लेयर्स दे मूवमेंट करती है, और ड्यू टू दैट हमारा अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं, दिस कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। ओके, सो वी डिस्कस हियर दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर अर्थ जो स्ट्रक्चर है क्वाइट डिफरेंट है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी सम टाइम गेट सम लिटिल बिट इंफॉर्मेशंस बाय द एक्टिव वोल्केनो। ओके, एंड यू नो टू ऑल की अवर अर्थ नॉट स्टेबल, वी रेगुलरली सी एविडेंस ऑफ क्रस्ट मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। ओके, आफ्टर दैट प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक थ्योरी है प्लेटोनिक, एस बेसिकली प्लेटोनिक है क्या, एक ह्यूज लैंड मास, ठीक है, और इसकी स्टडी जो है इसकी जो क्यों नाम दिया है टू स्टडी अर्थ क्रस्ट, या बिगिन से इनसाइड अर्थ की स्टडी करने के लिए हम प्लेट टेक्टोनिक नाम दिए इनको। ओके, एंड ऑफ दैट इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेमवर्क ऑफ इंटरप्रेटिंग द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब। ओके, एंड ऑफ दैट वी डिस्कस लिटिल बिट सम लिटिल बिट इंफॉर्मेशन बी गेट बाई द सेस्मिक वेव्स, और वट इज सेस्मिक वेव्स, तो सेस्मिक वेव्स आर वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स एंड आर रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। ओके, सो बिट्स अर्थ इज मेड ऑफ थ्री कंसेंट्रिक लेयर। कंसेंट्रिक मीन्स आपकी अर्थ यहाँ पर सेंटर है, ये जो बीच का जो पार्ट है पूरा ये दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, सेकेंड पार्ट ये पूरा सारे साइड का पार्ट क्या है मेंटल, और जो आउटर लेयर है इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके,
सो अर्थ इज मेड ऑफ द थ्री कंसेंट्रिक लेयर। कंसेंट्रिक होता है जिसका सेंटर एक होता है, वहीं से इसकी वन टू और थ्री लेयर। ओके सो कोर, मेंटल, क्रस्ट। सबसे जो इनसाइड पार्ट है दैट इज कोर, मिडिल पार्ट है मेंटल, और अपर मोस्ट पार्ट है क्रस्ट। ओके सो ईच लेयर हैज इट्स ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। एवरी लेयर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, अपने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्मेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज सेपरेट सेपरेट है, सिमिलर नहीं है। ओके सो टुडे वी डिस्कस हियर ओनली कोर पार्ट, बाकी अदर वी डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। ओके सो द कोर इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर। जो हमारी कोर है इट इज अ सेंटर पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड कोर। ये जो सेंटर पार्ट है पूरी अर्थ का, इसको कहते हम कोर। इट डिवाइडेड टू टू पार्ट, इट डिवाइड टू टू पार्ट, इनर कोर और आउटर कोर। ओके यहां थोड़ा ध्यान से समझना कि व्हेन वी मूव इनसाइड अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके सो अपर मोस्ट पार्ट जो है बिल्कुल सॉलिड है, बिकॉज यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है वो अर्थ की रॉक्स को मेल्ट कर सके। ओके आफ्टर दैट बात करें सेकेंड लेयर मेंटल की, तो अपर जो पार्ट है थोड़ा इलास्टिक मोड है, उसमें जिससे आपका प्लास्टिक होता है, लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी आती है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर की वजह से। ओके और उसका जो डाउनवर्ड पार्ट है वो मेल्ट है, एंड कोर का जो आउटर पार्ट है जासो लिक्विड फॉर्म, बट जो इनसाइड इनर कोर है वो सॉलिड है। जो इनर पार्ट है वो सॉलिड है भाई, ऐसा क्यों है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सॉलिड है, इलास्टिक फॉर्म है, ये मेल्ट में है, ये मेल्ट में है, फिर ये सॉलिड कैसे? तो भी ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर होने की वजह से ये होना चाहिए, ये भी लिक्विड फॉर्म में चाहिए, बट ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ओके थिंक अबाउट कि व्हाई इट इज सॉलिड। ओके सो देयर टू लेयर्स, फर्स्ट इज इनर कोर और आउटर कोर। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग्स मोर, कि आपके अर्थ का जो सेंट्रल पॉइंट का जो लेंथ है इसका ही, वो है आपकी 6371, 6371 किलोमीटर। ओके और ये जो डाटा है हर एक बुक्स में आपको सेपरेट सेपरेट मिलेगा। ओके बेसिकली एक्चुअली ये है, लेकिन सम टाइम अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, बिकॉज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हम सेंटर पॉइंट तक नहीं जा सकते, तो ये जो डाटा लिया जाता है ये अप्रोक्सीमेटली होता है। ओके तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो सम बुक्स में इसको कंसीडर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, और सम बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोमीटर, तो यू कैन राइट डाउन एनी वन। ओके बस तो साथ में था नियर अबाउट 6371 या अप्रोक्सीमेटली 6400 या अप्रोक्सीमेटली 7000 किलोमीटर, यू कैन राइट ऑन एनी वन। ओके इट इज द सेंटर लेंथ ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके सो इनर कोर, जो आपकी इनर कोर है इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म है, ये आपकी सॉलिड फॉर्म है, एंड डेनेस्टी ऑफ रॉक सबसे ज्यादा होती है इन द इंटीरियर पार्ट, या डेनेस्टी जो होती है रॉक की बहुत टू मच होती है, सबसे ज्यादा इन द अदर पार्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके सो डेनेस्टी हियर 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके सो फर्स्ट फीचर में क्या हुआ उसका, कि सेंटर जो पार्ट हमारा द इनर कोर इज थ्योराइज्ड टू बी सॉलिड विद द डेनेस्टी ऑफ अबाउट 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है और जो रेडियस होता है टॉप टू सेंटर पार्ट तक, रेडियस ऑफ द अर्थ वो आपका 6371 किलोमीटर। ओके सो इनर कोर में क्या था, इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड डेनेस्टी इज हाई नियर अबाउट 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके अब वी टॉक अबाउट आउटर कोर, आउटर कोर
लिक्विड है डोमेस्टिक एज कंपेयर टू इनर कोर से लिटिल बिट लेस है, 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीन्स ये जो पार्ट है हमारा सेंटर, ये हमारा सॉलिड फॉर्म है, और यहाँ की जो डेंसिटी है रॉक्स की वो है 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और आउटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है और उसकी जो डेंसिटी है वो 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ओके, सो नाउ फीचर ऑफ कोर, कोर के थोड़े फीचर को हम डिस्कस करते हैं। अब बिफोर दैट, ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ द अर्थ दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर, क्योंकि ये लेयर्स अर्थ के सेंटर में है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द अर्थ दिस लेयर इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। ओके, सो वी डिस्कस हियर फर्स्ट फीचर, द डेंसिटी ऑफ रॉक इन दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। इस सेंटर जो पार्ट है कोर हमारा, वहां पर डेंसिटी ऑफ रॉक टू मच एज कंपेयर टू अदर पार्ट। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस लेयर आर द मेटालिक मिनरल्स। ये जो आपकी सेंट्रल लेयर है मेटालिक मिनरल से बनी है, स्पेशली निकल और आयरन से। तो यू नो टू आयरन को हम फेरस बोलते हैं। ओके, तो उसका सिंबल्स Fe होता है और निकल का सिंबल Ni। ओके, सो निकल एंड आयरन से बनी है, ड्यू टू दैट टू विच द कोर इज कॉल्ड निफी, NiFe। Ni मीन्स निकल और Fe मीन्स फेरस मीन्स आयरन, कि आपका जो सेंटर पार्ट है वो आयरन और निकल से बना हुआ है। ओके, सो जो क्वेश्चन से मैंने पहले पुट किया था कि व्हाई इट इज अ सॉलिड एज कंपेयर टू आउटर कोर, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और लिसन केयरफुली। यू नो टू ऑल कि व्हेन वी मूव इनसाइड द अर्थ सेंटर पर द टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट टेम्परेचर इन द आउटर कोर इज एक्सट्रीमली हाई एंड ऑल मिनरल मेल्ट एट दिस हाई टेम्परेचर, कि जो यहां पर है टेम्परेचर टू मच हो रहे हाई हो रहा है, और ऑल द रॉक्स आर इन मेल्ट, बट इन द इनर कोर ड्यू टू ग्रेट प्रेशर ऑफ द ओवरलेइंग स्ट्रेटा। ओवरलेइंग मीन्स आपके ऊपर क्या है, या क्रस्ट है, मेंटल है, कोर का पार्ट है, क्या है, रॉक्स हैं, इनका वेट पड़ रहा है, और ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से इट इज अ इन द सॉलिड फॉर्म। ओके, सो इन द इनर कोर ड्यू टू द ग्रेट प्रेशर ऑफ द ओवरलेइंग स्ट्रेटा द रॉक्स बिहेव मोर लाइक सॉलिड रेदर देन लाइक लिक्विड मटीरियल। ओके, कि मीन्स ये जो है हमारी सेंटर पार्ट, ये बिहेव करती है लाइक अ सॉलिड बिकॉज ड्यू टू द ग्रेट प्रेशर ओवरलेइंग स्ट्रेटा। ओवरलेइंग स्ट्रेटा मीन्स जो हमारी लेयर्स है जो रॉक्स ऊपर, उसके वेट की वजह से ये प्रेस हो जाती है, दब जाती है। ओके, सो उसको उसकी वजह से क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है। ओके, दिस इज योर फीचर ऑफ कोर। ओके, फर्स्ट पॉइंट द डेंसिटी ऑफ रॉक दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज हाईएस्ट, और हाईएस्ट कितनी है इनर कोर में 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और आउटर में 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ड्यू टू सेंटर में होने की वजह से इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर, एंड ऑफ दैट इट इज मेड ऑन मेटालिक मिनरल्स स्पेसिफिक निकल और आयरन, एंड ऑफ दैट द टेम्परेचर इन द आउटर कोर इज एक्सट्रीमली हाई एंड ऑल मिनरल्स मेल्ट एट दिस हाई टेम्परेचर। जो आउटर पार्ट है वो हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट पोजिशन में है, बट द इनर कोर ड्यू टू ग्रेट प्रेशर ऑफ द ओवरलेइंग स्ट्रेटा की वजह से द रॉक्स बिहेव मोर लाइक सॉलिड रेदर देन द लाइक लिक्विड मटीरियल्स। ओके, सो दिस योर टॉपिक टू बी डिस्कस ओनली कोर। ओके, बिफोर दैट वी डिस्कस हियर कि वी नो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ बाय द एक्टिव वोल्केनो, ऑफ दैट वी नो अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट, एंड ऑफ दैट सेस्मिक वेव्स। ओके, सो व्हाट इज द टेक्टोनिक प्लेट, इट इज अ ह्यूज लैंड मास। ओके, एंड इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ओके,
एंड प्लेटोनिक थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ओके, ए लिटिल बिट वी नो अबाउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ बाय द स्टडी ऑफ सेस्मिक वेव्स. और सेस्मिक वेव्स के हैं आर वेव्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स एंड आर रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स. ओके, थैंक यू.